ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। करनाल सीएम सिटी आजकल कई विभागों के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन के कारण सुर्खियों में है। कहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पब्लिक हेल्थ, ग्रामीण व शहरी ट्यूबवेल ऑपरेटर, तो कहीं बैठे हैं क्रमिक अनशन पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी। कहीं सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए अग्निशमन सेवा एवं नगर पालिका कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं आशा वर्कर। कहीं पर टेंट लगाकर बैठे हैं एआई वर्कर, वेलफेयर संघ हरियाणा, पशुपालन विभाग के कर्मचारी, तो कहीं बैठे हैं पीड़ित जेबीटी अध्यापक। इसके अलावा सबसे ज्यादा जोरदार प्रदर्शन करती हुई आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स दिखाई दे रही हैं, और इनका सहयोग सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कर रहा है। सभी अपनी मुख्य मांगों के साथ धरने प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय के मुख्य गेट के सामने मोर्चे पर डटे हुए हैं, जिसके कारण शहर का माहौल इन असंतुष्ट प्रदर्शनकारियों की वजह से असंतुष्ट बना हुआ है और हर आने जाने वाले सामान्य नागरिकों को असुविधा हो रही है। सिलेक्टेड अध्यापकों का कहना है कि हुड्डा सरकार द्वारा उनके समय में हमारी वैकेंसी निकाली गई थी, हमारा सिलेक्शन हो चुका था। खट्टर सरकार आने के बाद अब 27 अप्रैल को हमारी एक लिस्ट निकाली थी, एचटेट के सर्टिफिकेट की फॉरेंसिक जाँच हुई थी, जिसमें 317 कैंडिडेट को रख लिया गया था। फोरेंसिक लैब ने हमें रिजेक्टेड नहीं बताया, बावजूद इसके हमें रखा नहीं जा रहा। कई बार सरकार से गुहार लगाने के बाद भी अब यह स्थिति बन गई है कि हमने दूर दराज से आकर यहीं पर टेंट लगा लिया है, हम सड़क पर धक्के खाने को मजबूर हो चुके हैं। आंगनवाड़ी के जिला प्रधान ने बताया कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा धरना प्रदर्शन चला हुआ है। आज की तारीख में 50,000 वर्कर सड़कों पर है। हमारी जो सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मुख्य मांग है, उसको हम लेकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े। इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए हम आने वाली 25 तारीख तक इंतजार करेंगे। अगर मांग को नहीं माना गया तो हम सीएम का भी घेराव करें। बिजली विभाग के कच्चे कर्मचारियों की मांगे हैं कि ठेकेदार को हटाया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, और जो कुछ हमारी मांगे हैं उसके लिए हमने 11 तारीख को प्रदर्शन किया था और सरकार से मिलने का समय मांगा था कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन अब तक सरकार ने ना तो मिलने के लिए बुलाया, ना हमारी कहीं कोई सुनवाई की गई। उसके विरोध में हमने 21 तारीख तक का समय दिया था, कल तक का, सरकार ने कुछ भी हमारी बात नहीं सुनी, तो हमने आज 22 तारीख से यहाँ कर्मी कमीशन शुरू कर दिया है। बातचीत मंगलवार को ओएसडी साहब से हुई थी, उन्होंने ये कहा कि भाई आपके विद्युत विभाग के अधिकारियों से आपकी बैठक करवाई जाएगी, लेकिन अब तक वो भी नहीं करवाई है। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई ये रहेगी, हमारा अनिश्चितकालीन कर्मी कमीशन यहाँ से स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया, ये चलता रहेगा, और अभी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक यहाँ होगी, इसके बाद हम निर्णय लेके तो उसके बाद हम आगे की लड़ाई करेंगे और जोरदार लड़ाई शुरू करेंगे। दिनेश वशिष्ठ, प्रदेश अध्यक्ष, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा से। हूँ सर, मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, हाई मेरिट है सर मेरी। सर हम हुड्डा सरकार ने हमारी वैकेंसी निकाली थी, हमारा सिलेक्शन हो चुका था। खट्टर साहब की सरकार आने के बाद हमारी अब ज्वाइनिंग हुई है सर। 27 अप्रैल को हमारी एक लिस्ट इन्होंने आउट करी है, तो उसमें फोरेंसिक लैब से हमारे एचटेट का जो सर्टिफिकेट है उसकी फोरेंसिक लैब से जांच हुई है, तो उसमें 317 के करीब कैंडिडेट को नॉट डेफिनेट बता दिया था। 27 अप्रैल 2017 को ओनली 317 कैंडिडेट हमें रख दिए गए थे, तो लैब ने हमें को हमारे नॉट डेफिनेट सिर्फ बताया, ना कि हमें रिजेक्टेड। अगर सरकार हमारे साथ होती या बेटियों को देखती है रोड पे धक्के खा रही है, तो हमारी 317 की जांच कोई बड़ा मैटर नहीं है सर। एक मरे हुए आदमी की राख उठा के उसकी बता देते हैं, एमआरआई मशीन से एक मिनट में छोटी से छोटी नस निकाल के बंदे की जांच कर देते हैं। 317 कैंडिडेट की हमारी अब तक जांच नहीं कर पाए, और ना हमारे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है, बेरोजगार बना के हमारे को रोड पे धक्के खिलाने के लिए मजबूर कर रखे हैं। हम हिसार से 3 दिन से यहाँ पड़े हैं, हमारे चूल्हे चौके सब बच्चों को लेके आए हुए हैं, नहीं दे रहे हैं सर। 52 दिन से ये हमारे सर हैं, ये फोन करें, मैंने 2-3 बार पीए का नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे, मैंने खुद ने कॉल करी है। नहीं सर, यहाँ से हम नहीं मिले, अभी परसों से आए हैं, आज मिलेंगे। हम बेगुनाह हैं, फिर भी हमें रोडों पे धक्के खाने को मंजूर है, पकोड़े बेचने को मंजूर है, हम यहाँ आज पकोड़े की स्टाल लगाएंगे। हमारा पूरे हरियाणा के अंदर चला हुआ है, आज की डेट में 50,000 के करीब वर्कर सड़कों पे हैं, और हमारा जो हमारी जो मुख्य मांग है सरकारी कर्मचारी के दर्जे की, वो हम लेकर ही रहेंगे, चाहे हमें आर पार की लड़ाई करनी पड़े, चाहे हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इस अपनी मांग को लेकर। कितने दिन हो गए आपको? चौथा दिन है आज धरने का हमारा, और CI2 से हम संबंधित हैं, सर कर्मचारी संघ का सहयोग है हमारे साथ। जनप्रतिनिधि तो नहीं आया, लेकिन आज हमारा डेपुटेशन चंडीगढ़ डायरेक्टर मैडम ने बुलाया हुआ है,
देखते हैं क्या निकल के आता है। अगर नहीं उन्होंने हमारी इस डिमांड को पूरा किया तो हम नहीं उठेंगे धरने से। सीएम का कोई वो नहीं है हमारे पास मैसेज। आगे इसी तरह चलेगा धरना। मैंने कहा ना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर हमारी मांग। अभी तो हम एक दो दिन वेट कर रहे हैं। हाँ। और एक दो दिन हम 25 तारीख तक वेट करेंगे। अगर 25 तारीख तक हमारी सरकार ने सुनवाई नहीं की, 26 तारीख को टोटल कर्मचारी संघ और टोटल CITU के हम प्रदर्शन है ऑल हरियाणा में करेंगे, और उसके बाद हम करनाल का घेराव भी कर सकते हैं CMCT का पूरा हरियाणा। और हम बता रहे हम किसी भी हद तक जब तक हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारी आर पार की लड़ाई है क्योंकि CITU और सर्व कर्मचारी संघ हमारे साथ है और हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम डरने वाले नहीं है सरकार से। और सरकार को हम इस स्टेज के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी ना जिंदगी में आगे नहीं आने देंगे इस सरकार को कभी भी। क्या नाम है आपका? बिजनेस राणा, डिस्ट्रिक्ट प्रधान सेक्रेटरी।